अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इसी बीच आज एक ऐसी खबर आई जो करोड़ों राम भक्तों को चुभने वाली थी। दरअसल राम मंदिर आतंकियों के निशाने पर है। इस साजिश का खुलासा किया है खुफिया एजेंसियों ने। राम मंदिर पर हमले का इनपुट मिलने के बाद अयोध्या से दिल्ली तक सतर्कता बढ़ा दी गई है। खबर यह भी है कि आतंकी नेपाल के रास्ते अयोध्या में कुछ अनहोनी का प्लान बना रहे हैं। जिस राम मंदिर के बनने का इंतजार देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है, उस पर आतंकियों की बुरी नजर है। जिस राम मंदिर के बनने में इतनी अड़चने आईं, वहां जैश ए मोहम्मद सुसाइड बॉम्बर भेजने की तैयारी कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने राम मंदिर को लेकर अलर्ट जारी किया है और करोड़ों राम भक्तों की धड़कनें बढ़ गई हैं। दरअसल जिस भव्य राम मंदिर का निर्माण अगले साल तक पूरा होना है, उस पर आतंकियों की नापाक नजर है। आतंक के आकाओं ने राम मंदिर पर आतंकी हमले की खौफनाक साजिश रची है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमले का खौफनाक मंसूबा बनाया है। इनपुट के मुताबिक जैश के आतंकी पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में हमले की तैयारी में जुटे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक जैश ने सुसाइड बॉम्बर के जरिए हमले की प्लानिंग की है। सुसाइड स्क्वाड यानी आत्मघाती हमलावर का दस्ता भेजकर हमले का प्लान तैयार किया है। राम मंदिर को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस तरह से खुफिया एजेंसियों के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक कि आतंकियों के निशाने पर राम मंदिर है, तो राम मंदिर को लेकर के अयोध्या में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप साफ देख सकते हैं ये अयोध्या का प्रवेश मार्ग है। ये मार्ग जो है ये राम जन्मभूमि को जाता है। राम मंदिर पर आतंकियों की नापाक नजर पहले से ही है, हालांकि अब तक वो इस नापाक कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए हैं। हमारी सुरक्षा, हमारी जो एजेंसी है गोपनीय एजेंसी, उसको जब पता चल गया है कि हाँ नेपाल के रास्ते से रामलला के जो मंदिर बन रहा है उस पर छत पहुँचाने की योजना आतंकवादी बना रहे हैं, और समझ लें वो कि यहाँ पर रामलला की जो नींव बन रही है उसमें एक इंच भी, किसी एक रोड़ा भी नहीं फेंक पाएगा, क्योंकि यहाँ स्वयं रक्षक हनुमान जी बैठे हुए हैं। नहीं, उनके कारण जी कहाँ के वो नागरिक हैं, नागरिकता और उनका आधार कार्ड देके सत्यापित किया जा रहा है, और कोई वाहन है तो उसको निर्गत पास के द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया उसी के तहत गुजारा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।